यूपी के नोएडा सेक्टर 11 में एक मकान की बिल्डिंग से छात्रा के गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अपने परिवार के साथ रहने वाली छात्रा सोमवार की देर शाम छत पर टहल रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो चौथी मंजिल से नीचे गिर गई। चौथी मंजिल से गिरने की वजह से छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई। आनन-फानन में परिजनों ने अपनी बच्ची को मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। रात भर बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी रहा, लेकिन मंगलवार की सुबह डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। छात्रा गाजियाबाद के DPS स्कूल में पढ़ती थी, उसकी उम्र महज 15 साल थी। इस घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की माने तो घटना के वक्त मृतक पलक के पिता काम पर गए हुए थे और उसकी मां घर के काम में व्यस्त थी। पलक और उसका भाई बिल्डिंग की छत पर थे। इसके बाद पलक का भाई पानी लेने के लिए नीचे चला गया और पलक को छत पर ही अकेला छोड़ गया, लेकिन तभी परिवार ने पलक की चीख की आवाज सुनी और पलक को सड़क पर खून से लथपथ पाया। परिवार वाले उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां रात भर इलाज चला। हालांकि इसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अधिकारियों को ये शक भी है कि हादसे के वक्त पलक सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी और पानी के पाइप पर चढ़ गई, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से आसपास के लोग भी स्तब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।